to call Ms. Anam Babar, Assistant Commissioner Sohawa, to come on the stage and add to the knowledge of our students about the competition exam CSS and to share her struggle story. Ma'am, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सारे मुंतज़मीन का कि मुझे यहाँ पे दावत दी और यहाँ पे आप लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया। चूँकि मैं फॉर्मली भी एक एकेडमिक हूँ तो मेरे लिए हमेशा एक ऑनर होता है कि मैं किसी भी तालीमी इदारे में जाऊँ और यंग माइंड्स देख के मुझे ऐसे ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है बिकॉज यू आर द फ्यूचर एंड You are living the best time of your life. अभी आपने सिर्फ mentally ख़ुद को groom करना है, challenge करना है, grow करना है। जो भी issues हैं jobs के और practical life के, वो भी आपने face नहीं किए हैं। आप maximum potential पे operate करें, होता है ना, system में आप जाते हो, computer को देखते हो, आप कहते हो maximum उस पर operate कर रहा है। अभी आप maximum potential पे operate कर रहे हैं, आपके वो वाले minds हैं। और university के time तक आपके यही वाला minds रहेगा, mind रहेंगे। तो यू आर लिविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, एक ये रियलाइजेशन है जो आपको अभी होनी चाहिए इस पॉइंट पे। यू हैव मैक्सिमम पोटेंशियल टू ग्रो एंड यू हैव द लग्जरी टू ड्रीम। जब आप आ जाते हैं करियर में, फिर ड्रीम्स तो ख़त्म हो जाते हैं ना, अब तो आप जो बन गए वो बन गए, लेकिन यू हैव द लग्जरी एंड द अपॉर्चुनिटी टू ड्रीम एट द मोमेंट कि मैंने क्या बनना है एंड टू वर्क टूवर्ड्स दैट, टू डिसाइड कि मैंने क्या करना है। दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ़ यू आर फीमेल्स हेयर, तो उसके हिसाब से भी आई विल ट्राई टू शेप माई टॉक अकॉर्डिंग टू दैट कि फीमेल्स होते हुए हमें कोई स्पेशल कुछ हर्डल्स भी होते हैं, कुछ सर्टेन नॉर्म्स होती हैं जिनमें हमें ख़ुद को फिट करने को कहा जाता है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमें बिल्कुल शुरू में जो मकसद था हमारा, जो मैं जिस मकसद से यहाँ आई हूँ, पहले हम उस पर आ जाते हैं कि सिविल सर्विस क्या है, इसके लिए ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करें आप, और इसके अभी भी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस जॉब। तो पहली बात ही कि सिविल सर्विस, इसे सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं क्योंकि आप ऑल ओवर पाकिस्तान सर्व करने का आपको मौका मिलता है। इसमें से 12 ग्रुप्स होते हैं और 12 में से 2 ग्रुप्स को ऑल पाकिस्तान सर्विस कहा जाता है, जो कि हैं पीएस और पीएसपी। पीएस का मतलब है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पीएसपी का मतलब है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों पर्टिकुलरली ऑनर्ड सर्विसेज हैं क्योंकि ये ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं और यू नेवर नो वेयर यू एंड अप, कौन सी प्रोविंस में आप एंड अप कर जाएँ, कब आप प्रोविंस से मूव कर जाएँ। आपको पूरा पाकिस्तान देखने का मौका मिलता है, आपको बहुत ट्रैवलिंग का मौका मिलता है और आप पर काफ़ी भारी जिम्मेदारी भी होती है। फिर चलें, इन 12 ग्रुप्स में से डिसाइड कैसे होता है कि कौन कहाँ जाता है। एक तो आपसे चॉइस ली जाती है, फिर आपका मेरिट देखा जाता है। सीएसएस का जो पासिंग रेट है वो रिटन एग्ज़ाम में अबाउट 3-4% होगा और जो एग्ज़ाम है इनका, बल्कि 3-4 भी नहीं, 2 भी रहा है और 1.7 तक भी नीचे गिरा है पासिंग परसेंटेज जो है। और जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो टोटल 108, 112, 128 इतना बैच बनता है पूरे पाकिस्तान में से, और एप्लीकेंट्स होते हैं कोई 24,000, 25,000। तो उसमें से 108 हमारे बैच के थे, 108 जो फाइनली इंटरव्यू का प्रोसेस करने के बाद सेलेक्ट होके अकेडमी गए, ट्रेनिंग स्टार्ट की उन्होंने, उनमें से फिर 12 ग्रुप्स बने। 12 ग्रुप्स का अगर आपको आइडिया नहीं है तो कुछ एफपीएससी की वेबसाइट पे आप जाके आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। एक और रिसोर्स है आपकी csforum.com.pk, वहाँ से आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे चूज़ करना चाहिए। यू डोंट हैव टू गो टू अकेडमीज, आपका सिर्फ अपना एक क्लियर विजन हो और आपको थोड़ी बहुत रिसोर्सेज की गाइडेंस कहीं से मिल जाए तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। सो डोंट फील लिमिटेड, क्योंकि आप लोग एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप यहाँ से दूर किसी शहर में जाएं और एकेडमी में रहें और एकेडमी में पढ़ें। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आपके फिंगर टिप्स मौजूद हैं, मैनी ऑफ़ यू आर कैरिंग मोबाइल्स एट द मोमेंट,
तो आपके पास वहीं पे आप सर्च शुरू कर दें कि csforum.com.pk है, fpsc.com है, .pk है, वहाँ पे जाके आप एक बेसिक अपनी ओरिएंटेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे मिल जाती हैं, बहुत सारे CSS के टॉपर्स हैं जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं वहाँ पे यूट्यूब पे, जो कि बेसिक आपको गाइडेंस दे रही हैं कि सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं, तैयारी कैसे शुरू करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उसका एक खुलासा मैं आपको भी दे देती हूँ। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जिस स्टेज पे अभी आप हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आपके एनालिसिस के स्किल्स डेवलप हो जाएं। ये बात आपको भी मैं बताना चाहती हूँ और आपके टीचर्स को भी। अभी मेंशन किया आपके प्रिंसिपल साहब ने कि पिंडी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो 17% है, तो आप सोचें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, सिर्फ 17% पास हुए हैं। CSS में पासिंग परसेंटेज 2% के अराउंड एवरेज कह सकते हैं होती है, तो इतनी लो पासिंग परसेंटेज क्यों है, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है, इस पे आप लोग भी सोचें। हम जब एजुकेशन हासिल करते हैं और जब हम डिलीवर करते हैं एजुकेशन, तो हम स्पंज की तरह बन जाते हैं कि जो आता जा रहा है एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, हम उस पे माइंड अप्लाई नहीं करते हैं। वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, आपने रट्टा लगा लिया और आपने रिप्रोड्यूस कर लिया, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अभी से डेवलप करें अपने एनालिसिस के स्किल्स, जो आपके सामने चीज़ आ रही है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना कर लें कि हाँ जी ये ऐसा ही है, उस पर गौर करें, उसको कंपेयर करें विद योर ओन नॉलेज बेस। आप सबकी नॉलेज बेस है ना, जहाँ से आप आए हैं, जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो आपकी नॉलेज बेस है, उससे कंपेयर करें, आप अपने सोशल एक्सपीरियंस से उसको क्वेश्चन करें और फिर आप सोचें ये बात ठीक है या नहीं है। या आपने साइंस पे अप्लाई नहीं करना ऑफ कोर्स, बिकॉज साइंस में तो फैक्ट्स की बात हो रही होती है, बट अदर काइंड्स ऑफ नॉलेज में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में ऑफ कोर्स आपके पास स्कोप ये है कि आप उससे आगे का सोचें कि देन व्हाट नेक्स्ट, इसमें और क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या किया जा सकता है। तो पहली बात ये कि डिवेलप योर एनालिसिस स्किल्स, दूसरी बात ये है डिवेलप योर लैंग्वेज स्किल्स। आपको दुनिया जहान की नॉलेज हो लेकिन आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाएँ तो फ़ायदा नहीं उस सारी नॉलेज का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल्स दोनों को इम्प्रूव करें। इससे मुराद इंग्लिश नहीं है सिर्फ, इंग्लिश ज़रूरी है फॉर CSS, लेकिन एक एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज स्किल से भी या राइटिंग स्किल से भी आपको गुजारा हो जाता है। उर्दू भी आनी चाहिए, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक, कि उर्दू भी आनी चाहिए। उर्दू की जितनी आज हम टांगें तोड़ रहे हैं ना, और जितना हम उर्दू ज़बान को बिगाड़ रहे हैं आज बिकॉज ऑफ मीडिया में भी, आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन उर्दू ज़बान भी उसी तरह उतनी ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। वैसे भी हमारी कौमी ज़बान है, और जहाँ पे आप बात करते हैं तो आपकी बात में फिर उससे बड़ा वज़न भी आता है जब आप क्लियरली अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं दोनों लैंग्वेजेस में। तीसरी बात यह है कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा ग्रूम करें, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, हाउ डू आई कंडक्ट माई सेल्फ सोशली, मैं सोशली कैसा बिहेव करती हूँ, मैं सोशली कैसी अपेयर होती हूँ, क्या इम्प्रेशन मेरा बनता है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, व्हाट आर सक्सेसफुल इंटरेक्शन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, इस पर ज़रा सा गौर करें। बहुत सारी जो हमारी इंटरेक्शन रहती है स्पेशली हमारी सर्विस में, लोगों से रहती है वो, तो लोगों से इंटरेक्ट करना, डिफरेंट लोगों को मैनेज करना, एवरीबडी विल अप्रोच यू विद एन एजेंडा, इस चीज़ को हमेशा से गौर करना इस पर, एवरीबडी अप्रोचेज यू विद एन एजेंडा, उन सब के एजेंडाज को समझ के उसके हिसाब से अपने आप को चलाना, दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, ठीक है। तो ये अपने आप को भी से ग्रूम करना शुरू करें, आपको अपनी यहाँ पे भी अपने पीयर्स से यानी अपने साथियों से सीखने का मौका मिलता है, तो ऑब्ज़र्व करें और सीखें। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको चाहिए फॉर सिविल सर्विस एंड टू बी सक्सेसफुल इन सिविल सर्विस। तैयारी के लिए जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, पहले तो आप अभी से स्टार्ट कर दें तैयारी, एनालिसिस और लैंग्वेज इन दोनों पे गौर करें। उसके बाद फिर तैयारी के लिए आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन में और करियर चॉइस में, दोनों में कभी इस पर ना जाएँ कि व्हाट इज़ पॉपुलर। बहुत दफ़ा हम करियर इसलिए पिक कर लेते हैं कि इसकी डिमांड है, मार्केट वैल्यू उसकी हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं बड़े प्रैक्टिकली बैठ के। नहीं, आप अपना पोटेंशियल देखें और सब्जेक्ट चॉइस में भी अपना पोटेंशियल देखें, चाहे सारी दुनिया आपसे कह रही हो नहीं जी ये स्कोरिंग नहीं है, इसका ये मसला, इसका वो मसला है,
जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो काम करें, आप वो अच्छे से कर भी पाएंगे और आप बोर भी जल्दी नहीं होंगे उससे। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन जब आपने कर ली, उसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। तैयारी में एक बेसिक पॉइंट है कि जो अपने माइंड को आप फीड कर रहे हैं ना, जैसे अपनी बॉडी को आप जंक फूड नहीं खिलाएंगे वरना आप सूनर और लेटर बीमार हो जाएंगे, वैसे अपने माइंड को भी जंक फूड नहीं खिलाएं। मुझे इत्तेफाक हुआ लाहौर में, एक दफ़ा हमारी GCU यूनिवर्सिटी थी उसके बाहर एक बुक स्टॉल्स लगा करते थे, मैंने एक दफ़ा बुक्स देखी, दे वर जंक, दे वर नॉट क्वालिटी मटीरियल के जो अपने माइंड में फीड किया जाए। तो क्वालिटी मटीरियल पढ़ें अभी से, आपका माइंड उसी के हिसाब से डेवलप होगा।